दोस्तों, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज के आइकन कहे जाने वाले पुनीत राजकुमार की असामयिक मृत्यु के एक साल बाद वह बड़े पर्दे पर एक बार फिर से चमक रहे हैं और गंदागुड़ी में अपने प्रशंसकों के लिए कुछ भावनात्मक क्षण पेश करते हैं। अप्पू जैसा कि वह कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्रीज के लोकप्रिय अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, इस फिल्म में कर्नाटक के लुभावने जंगलों, महासागरों, वनस्पतियों और वन्य जीवों की एक यात्रा के माध्यम से सच्चे नायक के अर्थ को भी परिभाषित करेंगे। मूवी में वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वन्यजीव फिल्म निर्माता अमोघ वर्ष के साथ नागर होल से काली नदी तक तक कर्नाटका की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा करते हुए दिखेंगे। मूवी का शीर्षक इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था। इसका राजकुमार परिवार के साथ एक लंबा संबंध है और इसका अर्थ है चंदन का निवास। जब 70 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर चंदन की तस्करी से मूल्यवान वन संपदा को खतरे में डाल दिया गया, तो अभिनेता निर्मित एसपी शंकर, जो वन्य संबंधित कहानियों पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, ने विजय द्वारा निर्मित फिल्म गंदागुड़ी का निर्माण किया, जिसमें डॉक्टर राजकुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक ईमानदार वन अधिकारी के रूप में। यह मूवी डॉक्टर राजकुमार राव की 150वीं मूवी थी, जो पहली कन्नड़ा मुख्यधारा के रूप में जाना जाता था और जो वनों के संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की अवधारणा पर बनी हुई थी। मूवी सिनेमाघरों में 25 सप्ताह तक चलने के बाद ही ब्लॉकबस्टर बन गई और उसी मूवी ने साल 1995 में गंदागुड़ी भाग 2 नामक सीक्वल का नेतृत्व किया था। दोस्तों, अब साल 2022 की इस रिलीज गंदागुड़ी के माध्यम से दर्शकों को अपनी असली पुनीत की एक झलक देखने को मिलेगी, बिना किसी चकाचौंध और ग्लैमर के। इसके अलावा यह इसलिए भी खास है क्योंकि यह आखिरी बार होगा जब प्रशंसकों को अप्पू को बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे। नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री ड्रामा राज्य की परिस्थिति तंत्र के बारे में बात करने के लिए कर्नाटक के पुनीत की खोज का अनुसरण करती हुई यह मूवी 98 मिनट तक पूरे समय दर्शकों का मनोरंजन कराएगी। प्रतीक सेटी के लेंस के माध्यम से अमोघ वर्ष कर्नाटक की वन्य जीव संपदा को एक नए दृष्टिकोण से दिखाता है। पुनीत इसे एक व्यावसायिक पॉइंट बोलर भी बना सकते थे, लेकिन यह मूवी बिना किसी व्यावसायिक हित के केवल शुद्ध और ईमानदारी सिनेमा के लिए उसके प्यार और जुनून की गवाही देती है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत नागर होल नेशनल पार्क से शुरू होकर राज्य की सुंदरता को करीब से देखने के लिए एक नदी की तरह अपना रास्ता इख्तियार करती हुई नजर आएगी और इसके बाद यह यात्रा तटीय कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी से होते हुए काली नदी के जन्म स्थान कुसावली में समाप्त होती है। पुनीत और अमोघ वर्ष दोनों ही दर्शकों को सुंदर प्राकृतिक जंगली स्थानों को करीब से देखने की पेशकश करते हैं और प्राकृतिक अपरिचित ध्वनि को भी महसूस कराएंगे। अपनी यात्रा के माध्यम से दर्शकों को प्राकृतिक संसाधनों और विकास के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर एक दो सबक भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको मूवी का केंद्र बिंदु दिखाया गया है पुनीत, वह प्रकृति के प्रति अपने बच्चों जैसे जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं और जब वह इस मूवी के जंगलों में बाघों को, हाथियों को सरेआम घूमते हुए देखते हैं तो पुनीत हर फ्रेम को इस मूवी में संजोते हैं, चाहे वह प्राकृतिक रंगमंच हो या फ्लैशबैक सीक्वेंस। दोस्तों, मूवी गंदागुड़ी एक ही ट्रैक पर दो दोस्तों के अतरंग खाते के रूप में भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर यह मूवी दर्शकों के लिए कर्नाटक के वन्य जीव का एक भव्य दृश्य पेश करेगी। दोस्तों, यह एक उस तरह की मूवी भी है जिसे कर्नाटक का हर बच्चा जीवन भर याद रखेगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुनीत के प्रशंसक अभिनेता को खुशी से याद करेंगे और शायद उनके कुछ गुणों को भी अपने जीवन में शामिल करेंगे। साल 2022 में बनी यह मूवी आपको इतनी सारी जगहों पर ले जाएगी जिसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में आप लोगों को पता लगने वाला है और मूवी का एंड आते आते आपका भी मन करेगा कि अभी निकल पड़ूं उन भव्य जंगलों का दृश्य देखने के लिए, अगर आपको बचपन में नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखना पसंद था। दोस्तों, यह मूवी आप लोगों को वन्य जीवों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी करवाएगी, बाकी डेफिनेटली ब्यूटीफुल विजुअल एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि नेचर तो हम सबको पसंद है ही। तो दोस्तों, जरूर जाकर इस मूवी को देखिए, सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और सिर्फ 1.5 घंटे की है। दोस्तों, आप अपनी राय इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मूवी रिव्यू की जर्नी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सब खैर।